भारत को चाहिए 30 योगी। तमाम राज्यों में बड़ी बुलडोजर की डिमांड। बीजेपी की सरकार, बुलडोजर का राज। राबड़ी देवी को पसंद आया बुलडोजर एक्शन। राज्य चाहे पहाड़ी हो या फिर मैदानी, उत्तर हो दक्षिण हो पूरब हो या फिर पश्चिम, चाहिए तो बस सबको योगी जैसा राज। जी, योगी की पूर्वोत्तर के राज्यों में खासी डिमांड है। मतलब या तो योगी का स्टाइल अपनाइए या जनता योगी स्टाइल वाले किसी नेता को चुन लेगी। इसलिए देश भर में बुलडोजर की डिमांड बढ़ गई है। बिहार में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां भी बीजेपी विधायकों की धमक देखने को मिल रही है। जहां उनकी मांग है कि योगी मॉडल को अपना दिया जाए। 2022 की सबसे दिलचस्प कहानी बुलडोजर की है। भारत के साथ साथ दुनिया भर की मीडिया बुलडोजर को कवर कर रही है, जिससे साफ है कि योगी को पूरे राष्ट्र का बड़ा नेता माना जा चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस राज्य में बुलडोजर की डिमांड सबसे ज्यादा बड़ी है। पहला राज्य मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान यूपी चुनाव में प्रचार करने आए थे, जहां उन्होंने बुलडोजर की ताकत का अंदाजा देखा। और जब मध्य प्रदेश वापसी की तो उसके बाद अपने घर में भी बुलडोजर नीति पर काम शुरू कर दिया। हर दिन यहां भी कहीं ना कहीं बुलडोजर मध्य प्रदेश में योगी मॉडल की तरह घूम रहा होता है। रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के सेंधवा में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने जुलूस के दौरान पत्थर फेंके, तो दूसरे ही दिन 8 आरोपियों का घर बुलडोजर से धराशायी हो गया। दूसरा राज्य उत्तराखंड। योगी का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ, ऐसे में सबसे ज्यादा मांग उत्तराखंड के सीएम से हो रही है। सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि विधायकों का भी दबाव है कि सीएम धामी बुलडोजर नीति अपनाए और तुरंत एक्शन में आए। अब ऐसे में पुलिस का काम आसान होगा और अपराधी संत बनने की राह पर चल पड़ेंगे। सीएम बनते ही उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बुलडोजर भी चला। तीसरा राज्य बिहार। बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार है। बीजेपी विधायकों का नीतीश कुमार पर पूरा दबाव बना हुआ है कि वो योगी मॉडल पर काम करें, अपराध हो तो तुरंत बुलडोजर से एक्शन लें। बिहार के सीएम के पास ही गृह विभाग है। ऐसे में बीजेपी विधायक लगातार दबाव बना रहे हैं कि बिहार में भी योगी मॉडल अपना लिया जाए। चौथा राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की सरकार है। ऐसे में सीएम ठाकरे पर दबाव है कि वो किसी भी हाल में उन अपराधियों को ना बख्शे जो समाज के लिए हानिकारक हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र में भी डिमांड बढ़ गई है कि बुलडोजर चलाया जाए। खबर है कि बुलडोजर की कीमत में भारी उछाल आया है। कंपनी ने 6 लाख रुपए तक की इसकी कीमत बढ़ा दी। चलिए आपको बता देते हैं कि बुलडोजर की डिमांड इतनी क्यों बढ़ रही है और हर राज्य में इसकी मांग क्यों बढ़ रही है। दरअसल भारत में न्याय व्यवस्था सुस्त है। अगर आज किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होगा तो उसे 20 से 25 साल बाद न्याय मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन योगी मॉडल में न्याय तुरंत मिलता है, फैसला ऑन द स्पॉट। 24 घंटे के भीतर ही प्रयोग शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वो व्यक्ति अपराध छोड़कर संत बनने की राह पर चल निकलता है, नहीं तो पुलिस ढेर कर देती है। यानी बाबा की नीति का ये प्रयोग बेहद सफल माना जा रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो गवाही देते हैं कि इस नीति पर काम किया जा रहा है और ये नीति असरदार भी है। उदाहरण के तौर पर एक वीडियो आप देखिए। वीडियो लखनऊ का है, जहां एक लड़की ये शिकायत लेकर आती है कि लड़का रोजाना छेड़ता है, परेशान करता है, दिक्कतें खड़ी करता है। बस ये कहने भर की देर थी, पुलिस ने मनचले को पकड़ा, 5 थप्पड़ जड़ दिए। मतलब साफ है कि अगर गलत करोगे तो सजा के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये योगी का स्टाइल है जो देश को पसंद आ रहा है। जो पुलिस की गाड़ी से नहीं डरते थे, आज योगी के बुलडोजर से थर थर कांप रहे हैं। जिस भी रास्ते से बुलडोजर गुजरता है तो लोग कहने को लगते हैं कि देखिए आ गया बाबा का बुलडोजर आ गया। बुलडोजर झुकेगा नहीं, हटेगा नहीं, अपराधी बचेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।